अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और यहाँ पे है जी ये हमारी दीवा। दीवा की आज हमने खोली है जी टेपिंग। टेपिंग खोलने के बाद इसका एक कान पूरा खड़ा हुआ है, जिसको ये मूव भी कर रही है, लेकिन जबकि दूसरा कान जो है वो हाफ खड़ा हुआ है, पूरी तरह खड़ा नहीं हुआ। तो इसकी टेपिंग को हमने तकरीबन कोई आधा पौना घंटा खुला छोड़ा है, उसके बाद दोबारा से हम इसको टेपिंग करेंगे। तो अगर आपके डॉग के साथ ऐसा मसला हो और वो भड़ा हो गया और अब चांस नहीं है उसके कान खड़े होने का, यानी कि एक कान खड़ा है और दूसरा कान खड़ा नहीं है, तो आप उसको जौन सा उसका कान खड़ा है ना, उस एंगल में बैठा के ना, और फिर उसकी साइड पोस्ट से उसकी तस्वीरें लें। इससे तस्वीरें भी खूबसूरत आएंगी और ऐसा लगेगा कि आपके जो डॉग है ना उसके दोनों कान खड़े हैं। तो ये देखिए, इसका ना हाफ़ कान खड़ा हो गया है, जबकि हाफ़ कान नहीं खड़ा हो रहा। तो मे भी उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा और क्रॉप करवाना पड़े, इसका वेट है ऊपर से। तो यहाँ पे आगे जी ये हमारी मुर्गी और मुर्गी का इमरजेंसी केस। इसने आज पार्टी करने के लिए ना दोबारा से नीचे अंडा देने की तैयारी कर ली थी, और देखें पीछे से जो है ना इसका मेल भी इसकी निगरानी कर रहा है कि फटाफट अंडा दे और हम पार्टी करें। लेकिन उससे पहले जी मैं पहुँच गई बाहर और मेरी अनफॉर्चुनेटली इस पर नज़र पड़ेगी। तो जब मेरी इस पर नज़र पड़ेगी तो फिर मैं वहीं पर बैठ गई। मैंने कहा अंडा दे ले और खा ना सके और इसका अंडा ना फटाफट मैं काबू कर लूँ। तो यहाँ पे जी बस ये अंडा देने ही वाली थी, और जैसे ही इसने अंडा दिया, इसका अंडा रुड़क के ना बाहर निकल आया पिंजरे से, और हमने उसको फटाफट कर लिया जी काबू, इससे पहले कि वो फिसल फिसल आके कहीं और जाते। और यहाँ पे आ गया जी अब्दुल्ला का दोस्त। वो कहीं से ले आया था जी बकरी के दो प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे। वाइट वाले का उसने जी नाम रखा है स्नो वाइट, दूसरे का उसने कोई नाम नहीं रखा क्योंकि वो उसको पसंद नहीं। तो जी अब्दुल्ला और ये जो है ना उसका दोस्त दोनों बकरी के बच्चों के साथ खेल रहे थे, और फिर ये ले आए जी कि हमारे बकरी के बच्चों की वीडियो बनाए और इन्हें भी अपने ब्लॉग में डालें। तो ये है जी स्नो वाइट, जो वाइट कलर का है, और दूसरे का उसने कोई नाम नहीं रखा अभी। तो वो कहता है जी वो मुझे इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अभी उसका नाम नहीं रखा। तो जब उसका अगर कोई नाम रख लेगा तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इनकी जो है ना माँ वो एक्सपायर हो गई थी, तो इसलिए ये इन्हें ना घर पर ले आए हैं। तो देखिए अब ये इन्हें पालते हैं क्या करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मेरे साथ रहिएगा।